ओके जी, तो कल हमने डिस्कस कर रहे थे हाउ टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जी कोई क्वेश्चन है आप? ओके, तो तीन स्टेप डिस्कस किए थे। सबसे पहले आइडेंटिफाई द अकाउंट हेड्स, नंबर टू एलिमेंट ऑफ अकाउंट बताना उसका, और थर्ड मूवमेंट बतानी है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। फोर्थ फॉलो द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसको आज मैंने डिस्कस करना था और उसके बाद प्रॉपरली आऊंगा। फॉलो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि डेबिट और क्रेडिट का वर्ड निकला है डेबियर और क्रेडियर से। डेबियर का मतलब होता है ऑन, क्रेडियर का मतलब होता है ओ, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए हम जरा बनाते हैं एक टेबल, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। इंक्रीज और डिक्रीज, वी हैव डिस्कस फाइव एलिमेंट्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस। पांच एलिमेंट हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, एसेट किसके करीब है? जरा चले वैसे आपसे डिस्कस करता हूं, ओ के या ऑन के? ऑन के, ये तो क्लियर ऑन है ना, ठीक है। लेकिन कई जगह ऑन नहीं भी होता तो एसेट होता है कंट्रोल, जो हमने पढ़ा था। लेकिन ओन के करीब है, ओ से बहुत दूर है। इसका मतलब एसेट क्या हुआ बाय नेचर? डेबिट। क्योंकि देखो किसके करीब है, फिर बोल रहा हूं, इसके जो मीनिंग है वो ऑन के करीब है या ओ के? हमने कहा ऑन के करीब है। ऑन का मतलब डेबियर यानी मीन डेबिट, ठीक है। तो इसलिए एसेट हमेशा डेबिट होगा। तो अगर एसेट इंक्रीज होगा तो हम डेबिट करेंगे। मैथमेटिकल रूल, प्लस है ना, फर्ज करें प्लस है और मैंने इसको बढ़ाना है तो मजीद प्लस करूंगा ना, और अगर इसको कम करना है तो यानी माइनस करूंगा, तो यानी इसका मतलब ये क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा। डेबिट का इनवर्स क्रेडिट। एक चीज डेबिट है उसमें मैं चाहता हूं कुछ प्लस करूं तो क्या करूंगा, तो प्लस होगा डेबिट। अगर कोई चीज डेबिट है तो अगर मैं कहता हूं जिसको माइनस करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, क्रेडिट। ये इसलिए डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। सेकंड, लाइबिलिटी आप बताओ, ओ के करीब है ऑन के करीब है? ओके, इसका मतलब लाइबिलिटी क्या हुई, क्रेडियर की तरफ गया यानी क्रेडिट हुई। जब लाइबिलिटी क्रेडिट है और मैं इंक्रीज करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, क्रेडिट, और अगर डिक्रीज करना चाहता हूं लाइबिलिटी डेबिट। ऑनर्स इक्विटी ओ के करीब है ऑन के करीब है? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कुछ और मीनिंग निकल आएगा। ओके या ऑन के? ओ के करीब है तो फिर तुम आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो ना। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बिजनेस ने पैसा लिया है तो ऑनर को वापस भी तो करना है ना। सिर्फ फर्क यह है कि लाइबिलिटी जो होती है वो आपने साथ साथ देनी है, ऑनर को साथ साथ देने की जरूरत नहीं है, उसका अपना ही बिजनेस है ना। लेकिन अल्टीमेटली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ओ नहीं है, ऑन है, ये ओ है ऑन नहीं है, तो ये क्रेडिट हुआ। तो इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट, और डिक्रीज होगा तो ये तीन चीजें तो ओ और ऑन में जाती हैं। लेकिन रेवेन्यू और एक्सपेंस की तरफ आते हैं। मैं इसको क्योंकि डायरेक्ट लिखूंगा तो शायद आपको समझ में आए, पहले एक पॉइंट की तरफ जाते हैं। बिजनेस का अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो उसका वो किसको जाता है, ऑनर को जाएगा ना। इसके मतलब बिजनेस अगर कोई प्रॉफिट कमाता है तो वो उसने देना है, और अगर लॉस होगा कौन बेयर करेगा, ऑनर ही करेगा ना। यानी इसका मतलब बिजनेस ने ऑनर से लेने हैं। लॉजिक समझे हो कि नहीं? प्रॉफिट और लॉस की, रेवेन्यू एक्सपेंस अभी छोड़ दो। मैं कह रहा हूं कि अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो
तो प्रॉफिट वो ओ कर रहा है, ओ टू बिजनेसमैन या ओ टू ऑनर, उसने देना है। और अगर लॉस हो रहा है बिजनेस में तो लॉस ऑन करेगा फ्रॉम ऑनर, ऑन कर रहा यानी लेगा, मैंने इसलिए ऑन फ्रॉम लिखा, ठीक है। अब ये जो मैंने दो वर्ड लिखे प्रॉफिट और लॉस, तो बताओ ओ क्या होता है, ऑन क्या होगा, जरा गौर से देखिएगा प्रॉफिट और लॉस किस तरह निकलता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अगर ये आंसर प्लस में आएगा तो क्या होगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्या होता है क्रेडिट, अगर प्लस में आएगा, और अगर माइनस में आएगा तो लॉस, फिर वो डेबिट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक से ही समझा दूं, अब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस अगर क्रेडिट है, ये तो क्लियर है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों क्रेडिट नहीं हो सकते बाय नेचर, अगर एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट है। अब मैं दोनों लेके बताता हूं कि इसमें ठीक कौन सा होगा, अगर मैं इसको डेबिट ले लूं और इसको क्रेडिट ले लूं तो ये तो माइनस में चला जाएगा, तो ये तो डेबिट होना चाहिए, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि रेवेन्यू क्या है और एक्सपेंस क्या है, तो अल्टीमेट आंसर क्या होगा क्रेडिट इफ, हाँ जी प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट हो गया ना। और अगर इसी इक्वेशन को रखूं और अगर ये डेबिट ज्यादा हो जाए तो यहां क्रेडिट तो नहीं लिखा जाएगा ना, माइनस में आएगा तो डेबिट हो जाएगा, तो डेबिट की सूरत में क्या हो जाएगा लॉस। इससे ये साबित हुआ कि रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होगा और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा, तो लिहाजा रेवेन्यू क्रेडिट और डेबिट, अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट, और अगर एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। ये जो मैंने आपके सामने टेबल बनाई है, दिस इज अ टेबल ऑफ रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इसको तो दिमाग में बैठा लो, इंक्रीज इन एसेट है डेबिट, मतलब कोई बीच में आ सकता है ना, अभी हमने तीन स्टेप पढ़े हैं पहले, उनमें इंक्रीज और डिक्रीज हमने कैलकुलेट किया, एसेट लाइबिलिटी डिस्कस किया, देखो पहला हेड ऑफ अकाउंट, दूसरा एलिमेंट अकाउंट, ये आ गया एलिमेंट ऑफ अकाउंट में, तीसरा इंक्रीज और डिक्रीज, ये इंक्रीज और डिक्रीज। जरा कल वाली वो जो हमने ट्रांजेक्शन पढ़ी थी गुड्स सोल्ड फॉर कैश, जरा गौर से देखें, एक आपने कैश किया, कैश एसेट है, ये हम कल यहां तक पढ़ चुके हैं, कैश है, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है। अब रूल लगाने लगा हूं, इंक्रीज इन एसेट क्या होता है, रूल में देख लो, इसका मतलब वो डेबिट हो गया। इसी तरह दूसरा आइएगा सेल्स, सेल्स को हमने कहा ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में, इंक्रीज इन रेवेन्यू क्या होता है क्रेडिट। ये याद रखना है, ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट के तहत दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, चाहे दो इंक्रीज आते रहे जो मर्जी हो, लेकिन ये आप देखेंगे एंड पे एक डेबिट और एक क्रेडिट है। अगर दोनों डेबिट आ गए गलती से, दोनों क्रेडिट आ गए, इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये सारा रॉन्ग। अच्छा, अब मैंने इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवा ली, और अब आपने क्या करना है, कॉपी में एक पेज ट्रांजेक्शन के लिए छोड़ना है और एक पेज में हम ये चार स्टेप करते जाएंगे, ठीक है जी। तो रेडी रहिएगा, मैं ट्रांजेक्शन बोल रहा हूं, सबसे पहले लिखिएगा बिल्कुल स्टार्ट से। अब देखिए अकाउंट हेड की प्रैक्टिस जरा कर ले, अभी आप शुरू में मुश्किल आएगी, आहिस्ता आहिस्ता आप खुद सीखना शुरू कर दोगे अकाउंट हेड कैसे निकलेंगे, और कुछ चीजें इसमें टिप्स आएंगी सीखने वाली। पहली ट्रांजेक्शन लिखिए, दो पेजेस रखने हैं, पहली पेज पे सिर्फ ट्रांजेक्शन लिखनी है और दूसरी पेज पे हम चार स्टेप फॉलो करेंगे। लिखिएगा नंबर वन, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, अमाउंट्स बेशक छोड़ते जाए अभी इस बात में लेंगे, ठीक है। मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगाकर, विद कैश, कैश के साथ, यानी अपने सरमाया लगाया, सिंपल वर्ड्स,
आप अगले पेज पे आते हैं, चार स्टेप के लिए इस तरह बना लो, ट्रांजैक्शन नंबर, ठीक हो गया, जो हम लिखते जाएंगे। स्टेप नंबर वन, हेड ऑफ अकाउंट्स, यही हमने पढ़ा था। स्टेप नंबर टू, इसके लिए हम स्पेस छोड़ देंगे क्योंकि हेड ऑफ अकाउंट थोड़ा सा लंबा होता है। उसके बाद एलिमेंट ऑफ अकाउंट, ये तो एक एक वर्ड हम लिख सकते हैं इसी तरह जो लिखा हुआ है, एसेट के लिए ए, लायबिलिटी के लिए एल, एंड सो ऑन। और उसके बाद मूवमेंट, और फिर फाइनली डिसाइड करेंगे रूल क्या लगाया है, डेबिट होगा या क्रेडिट। अब जो मैंने आपके सामने ट्रांजैक्शन बोली है, कॉमर्स स्टूडेंट बीच में जवाब बना दें, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गौर से देखिए, बताएं इसमें अकाउंट हेड कौन कौन से नजर आ रहे हैं, कैश। दूसरा अकाउंट हेड कौन सा नजर आ रहा है, कैपिटल। कैपिटल, अब देखो यहां कहीं वर्ड तो नहीं आया कैपिटल, मगर कैपिटल की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, व्हेन या एनी इन्वेस्टमेंट या एनी थिंग इन्वेस्टेड बाय ऑनर इनटू हिज और हर बिजनेस। जब हम कह रहे हैं मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो वो अपना ही बिजनेस स्टार्ट कर रहा है ना, तो ये कैपिटल है। ये मैंने कल भी बताया था कि योर अकाउंट हेड का नाम जरूरी नहीं है कि बीच में लिखा हो, कैश का तो लिखा हुआ है, कैपिटल तो नहीं नजर आ रहा, तो डेफिनेशन इसलिए लिखवाई थी मैंने, दूसरा अकाउंट हेड कैपिटल। और ये एक आधी दफा होता है, कैपिटल कौन सा रोज लगना है बिजनेस में, पहली दफा ही लगाओगे या बाद में कभी एक्सपेंशन की जरूरत है, मजीद पैसा चाहिए तो लगाओगे, अदरवाइज तो ये ट्रांजेक्शन इक्का दुक्का होती है। अब एलिमेंट ऑफ अकाउंट की तरफ आते हैं, बताइए कैश कौन सा एलिमेंट है, एसेट। कैपिटल किस में फॉल करेगा, ऑनर्स इक्विटी में, ठीक हो गया। अब देखो ये स्टेप आप लोगों के लिए बहुत आसान होंगे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कैश बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, और कैपिटल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, इंक्रीज। और आखिरी में जरा रूल फॉलो करता हूं, अब ये टेबल आपके सामने है, इंक्रीज इन एसेट, ये देखो इंक्रीज इन एसेट डेबिट, और दूसरा इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी, इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी क्रेडिट, खुद बहुत एक डेबिट आएगा और एक क्रेडिट। ये पहली ट्रांजैक्शन हो गई जी, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, अगर हो रहा है इसका मतलब हमने मिस्टेक की, ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दो अगर इफेक्ट हैं, एक इफेक्ट डेबिट है और एक क्रेडिट है, ठीक है। नंबर टू ट्रांजैक्शन लिखिएगा, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, जी बताइए अकाउंट हेड्स, गुड्स और कैश, ठीक है जी। मैंने कैश तो लिख लिया, जरा गुड्स की भी बात करते हैं, गुड्स कन्वर्ट आएगा तो गुड्स दो सूरतों में आता है, परचेस्ड गुड्स एंड सोल्ड गुड्स, ठीक है। जब हम परचेज करते हैं गुड्स, उस वक्त प्राइस कुछ और होती है, जब सेल करते हैं तो प्राइस चेंज हो जाती है, यकीनन आपने अपने नफा भी कमाना होता है, जब आप सेल करते हो तो उसके अंदर प्रॉफिट भी शामिल होता है, तो लिहाजा हम गुड्स हैं तो गुड्स ही, लेकिन गुड्स को नेम देते हैं, क्योंकि गुड्स आएंगी भी और जाएंगी भी, जब आएंगी गुड्स तो उसको हम परचेज कहते हैं, जब जाएंगी तो सेल कहते हैं, ठीक है। अब लिहाजा ये गुड्स आ रही हैं तो हम इसको गुड्स की जगह रिप्लेस करेंगे वर्ड परचेजेस, लेकिन अगर आप इसकी जगह स्टॉक भी लिख देते हो तो गलत नहीं है, ये याद रखना है, ये बेसिकली स्टॉक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने क्या बताया था शुरू में कि जब हम स्टॉक खरीदते हैं वो स्टॉक है, गुड्स खरीदते हैं वो स्टॉक है, जब तक के वो सेल ना हो, तो इसको मैं स्टॉक भी लिख सकता हूं, दोनों ठीक है, परचेस लिख दो या स्टॉक लिख, बट गुड्स का वर्ड तो
होता ना रीसेल के लिए, वो तो एक इंग्लिश का वर्ड है, उसको अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर रहा हूं। जब मैंने अकाउंट हेड ऑफ अकाउंट लिए, अब जरा एलिमेंट में आते हैं, तो कैश कौन सा एलिमेंट है? एसेट। परचेज जी, इसको भी एसेट कहूंगा क्योंकि खरीदा ना अभी, अभी तो एसेट है जब तक ये बिकेगा नहीं, ठीक है ना। खरीदा तो इसलिए बेचने के लिए, जरूरी तो नहीं अभी खरीदा अभी बिक जाए, माइट बिके ये दो महीने बाद बिके, एक दिन बाद बिके, ये डिपेंड करता, हो सकता है आज ही बिक जाए थोड़ी देर बाद, बट जिस वक्त मैयर किया उस वक्त नहीं बिका था, वो परचेज हो गई। अब यहां पर कैश बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, मूवमेंट डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जब गुड्स खरीदूंगा तो कैश दूंगा ना, तो इसका मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो गुड्स है लिखा मैंने परचेज, अब बोल में गुड्स रहा हूं, है तो एक ही चीज स्टॉक जो है, क्या ये बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? इंक्रीज, को जब मैं गुड्स खरीदूंगा तो स्टॉक आएगा ना मेरे पास, इसका मतलब बिजनेस में स्टॉक भर रहा है, तो इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन एसेट। रूल लगाते हैं, डिक्रीज इन एसेट क्या होता है? क्रेडिट। इंक्रीज इन एसेट, ये खुद बहुत याद हो जाएगी, इंक्रीज डिक्रीज, ये कोई मसला नहीं है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा जो आपने सीखना है ना, यकीन करो ये तीन स्टेप अभी से आपको समझ में आ गए, मैं गारंटी दे रहा हूं। पहला स्टेप जरा ध्यान देखना है, ध्यान से, हेड ऑफ अकाउंट, ये प्रैक्टिस से आएंगे, ठीक है जी। अब आगे लिखिएगा, अब यहां नई चीजें सीखनी है हर ट्रांजैक्शन में आपने, कोई बात नहीं, मैं आपसे आंसर करूंगा तो यकीनन इसमें से बहुत से स्टूडेंट गलत भी बताएंगे, कोई इश्यू नहीं है, तभी सीखोगे। लिखिएगा परचेज गुड्स फ्रॉम नवीद सन्स, Purchased goods from Naveed Sons. आप बताइए यहां अकाउंट हेड्स कौन से हैं? परचेज नंबर थ्री, परचेज दूसरा हेड कैश। देखो अब यहां एक चीज सीखनी है आपने, जब किसी ट्रांजैक्शन के अंदर नेम आ जाए तो वो कैश ट्रांजैक्शन नहीं होती, ठीक हो गया। पहले इस पहली ट्रांजैक्शन और इस ट्रांजैक्शन में फर्क देखो, पहले मैं लिखा था परचेज गुड्स फॉर कैश, नाम नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि वेरी सिंपल, जब मैं खरीदूंगा परचेज करूंगा तो नाम लिखने की मुझे जरूरत क्या है, मैंने तो पैसे दे दिए हैं साथ ही। नाम किसका लिखा जाता है अकाउंट्स में? जिसको पैसे लेने हो या जिससे पैसे देने हो। अगर मैं उधार पे खरीदूंगा तो लिख लूंगा ना कि मैंने इस बंदे के पैसे देने, इसलिए अब नेम की जरूरत पड़ गई। अब जब नेम आता है तो नेम में बहुत ध्यान करना है, क्योंकि नेम अकाउंट पेबल भी हो सकता है, नेम अकाउंट रिसीवेबल भी हो सकता है। ये बड़ा सिंपली सिंपल डिसाइड होगा, कैसे? आपने देखना है कि ये जो नेम है ये सप्लायर है या कस्टमर है। सप्लायर है तो इसका मतलब अगर सप्लायर है तो अकाउंट्स पेएबल या क्रेडिटर, और अगर कस्टमर होता तो अकाउंट रिसीवेबल। तो लिहाजा यहां पर आप दूसरा हेड लिखोगे अकाउंट्स पेएबल, ठीक है, और साथ में नवीद भी लिख रहा हूं समझाने के लिए, नवीद भी लिख सकते हो, बट मैं रेकमेंड ये करूंगा कि आप अकाउंट्स पेएबल और अकाउंट रिसीवेबल यूज करो, या डेटर्स और क्रेडिटर यूज करो इंस्टेड ऑफ नेम। अब यहां पर आप देखते हैं परचेजेस क्या है, एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो परचेज स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्टॉक एसेट होता है। अकाउंट्स पेएबल क्या है? अकाउंट्स पेएबल लाइबिलिटी, क्योंकि हमने इसको अमाउंट पे करनी है, ठीक है जी। ये ऑनलाइन सोए हुए हो? अच्छा चलो, अब मैं अब नाम लेके सवाल करूंगा, जो जिससे नाम लूंगा वो जवाब देगा, ठीक है जी। अभी तो ये ट्रांजैक्शन मैं मुकम्मल कर लेता हूं। अब मुझे बताओ परचेसेस जो है वो एसेट है, गुड्स खरीदी हैं, बताओ इंक्रीज है या डिक्रीज? स्टॉक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? सर इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, और लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी डिक्रीज? इंक्रीज होगी।
क्यों मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई ना, तो इंक्रीज। अब इंक्रीज इन एसेट क्या होता है रूल के मुताबिक, देख लो वहां से, डेबिट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, क्रेडिट। जिस मर्जी ट्रांजैक्शन को उठा लो एंड एक डेबिट और एक क्रेडिट पे होता जाएगा। हाँ ये है कि कहीं क्रेडिट पहले आ रहा है, कोई बात नहीं आने दो, वो बाद में सीखेंगे कि किस तरह लिखना है, लिखने का एक अपना स्टाइल होता है, ठीक है, वो बात का मसला है। अब आगे आइएगा नेक्स्ट में, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखें नंबर फोर। अब मैं जिसका नाम लूंगा वो जवाब दे, परचेस्ड गुड्स From Naveed Sons for cash. जी अब्दुल नईम, अब्दुल नईम जो जवाब नहीं देगा मैं उसको उसके एब्सेंट लगाऊंगा, ये जेहन में रखिएगा। अब्दुल वहाब शौकत सर, इसके अंदर परचेजेस हेड्स ऑफ अकाउंट होंगे, एक परचेजेस होगा, ठीक है, और सर दूसरा कैश होगा, दूसरा कैश होगा। चलिए ये आपने कहा, अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर दूं। इससे पहली ट्रांजैक्शन में मैंने आपसे क्या कहा था, जब किसी ट्रांजैक्शन में नेम आ जाए तो हम फिर या अकाउंट्स पेबल लिखेंगे या अकाउंट्स रिसीवेबल लिखेंगे, डिपेंडिंग वो क्या है ट्रांजैक्शन क्या है, ठीक है। यहां पर क्या इस ट्रांजैक्शन में नेम नहीं आ रहा, फिर भी कैश क्यों लिया, जबकि बिल्कुल ठीक है कैश ही आएगा। इसलिए याद रखिएगा, जब जब भी नेम भी आ जाए और कैश भी आ जाए परचेज और सेल ट्रांजेक्शन में, तो वो परचेज में नेम जो है वो सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, ट्रांजेक्शन कैश की है क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी लिख रहा है फॉर कैश, जो फॉर कैश लिख रहा है तो कैश की वजह है, फिर नेम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती। इसलिए ये मैं एक ही ट्रांजैक्शन मुख्तलिफ तरीकों से करवा रहा हूँ कि किस तरह वर्डिंग वो एग्जामिनर चेंज करता है। अब ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल यही है जो मैंने की है नंबर टू, लेकिन जरा वर्डिंग में नेम दे दिया, तो याद रखिएगा परचेज ट्रांजेक्शन हो या सेल ट्रांजेक्शन हो, अगर उसमें नेम आ जाए और कैश भी लिखा हो तो फिर आप नेम नहीं लोगे, आप कैश लो, ठीक है। अब बताइए जी परचेज क्या है, जी यही क्या नाम था जी, अब्दुल वहाब शौकत कंप्लीट करवाओ मुझे, परचेजेस क्या है सर, एसेट्स होंगे, एसेट बताओ इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज सर, इंक्रीज हो रहे हैं, और इंक्रीज इन एसेट क्या होगा डेबिट, गुड, और कैश सर कैश भी एसेट्स ही होंगे, एसेट है। और बताओ बिजनेस में कैश इस ट्रांजैक्शन में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, सर डिक्रीज होंगे, गुड, और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, क्रेडिट, वेरी गुड। अगली ट्रांजैक्शन लिखिए जी, बिल्कुल अब वो अभी मैंने नहीं करवा रहा ना, इसलिए मैं ड्वेलिटी, मैंने कहा था ड्वेलिटी एक दफा आगे जाकर भी करवाऊंगा, सर अभी दो पे रखें, उसके बाद फिर कंपाउंड भी आएंगी, दो से ज्यादा भी आएंगे, तीन भी आएंगे, चार भी, अभी उनको नहीं छेड़ना, फिर उससे पहले मैं ड्वेलिटी एक दो फिर एक्सप्लेन करूंगा और फिर हमारी डेफिनेशन मुकम्मल होगी, क्योंकि मेरा ये अपना एक तरीका है तरतीब से लेके चलता हूँ ताकि मिक्स ना हो चीज़ें, पहले दो को करो आराम से सीखो, ठीक है, उसके बाद अगले स्टेप पर जाएंगे। नेक्स्ट लिखिएगा परचेस्ड गुड्स, परचेस्ड गुड्स, बस रुक जाए, कुछ नहीं लिख रहा, ना फॉर कैश है ना फॉर कुछ है। जी बताइए अब्दुल समद, अब्दुल समद कौन से अकाउंट हेड्स हैं, सर परचेजेस और स्टॉक है, गुड्स परचेजेस और स्टॉक है, स्टॉक तो परचेज ही हो गया ना, सर एक ही है,
एक ही है। अच्छा इस ट्रांजेक्शन में बड़ी अच्छी चीज नजर आ रही है कि एक ही नजर आ रहा है, परचेज गुड्स। मैं आपसे अगर सवाल करूं इस ट्रांजेक्शन को उसने जानबूझ के ऐसे लिखा, लेकिन एक बड़ी अंडरस्टूड सी चीज है, जब मैं गुड्स खरीदूंगा तो फॉरन माइंड में आएगा या कैश पे होगी या क्रेडिट, ये तो हो ही नहीं सकता कि गुड्स खरीदी है बस, ये तो लॉजिकली कंप्लीट नहीं है। तो एग्जामिनर सिर्फ इतना लिखता है जिस ट्रांजेक्शन में इस तरह कोई चीज ना लिखी और दूसरा कैश होता है। समझ आ गई? ये हमेशा ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं बताता जा रहा हूं, जो एग्जामिनर आपके साथ ये हरकतें कर सकता है आपको तंग करने के लिए। तो इसलिए ये बुख्ती ट्रांजेक्शन, आप देखो मैं परचेज को कई तरीकों से लिख रहा हूं, हेड वही है, तो परचेज और दूसरा हेड आप लिखोगे कैश। अब परचेज क्या है जी अब्दुल समद? एसेट है। एसेट, एसेट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? इंक्रीज सर। इंक्रीज इन एसेट? डेबिट। डेबिट, गुड्स। कैश क्या है? एसेट ही है सर। एसेट, एसेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? डिक्रीज सर। डिक्रीज, डिक्रीज इन एसेट? क्रेडिट। क्रेडिट, एक्सीलेंट। ठीक है, अब आप सिर्फ और सिर्फ सीख कहां रहे हो? अगर खुद अपने आप से सवाल करो तो हेड ऑफ अकाउंट्स में सिलेक्शन ऑफ हेड होगा, बाकी तो सब कुछ आ गया आपको। ठीक है, तो अब आगे चलिए कि एक और ट्रांजैक्शन लिखिए। एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज सर, ये फिफ्थ वाला दोबारा से बता दें। फिफ्थ वाला में देखिए जी, कैश में मैंने अभी आपसे कहा कि जब किसी भी ट्रांजेक्शन में उसने सिर्फ इतना लिखा हो परचेस्ड गुड्स, तो ये जानबूझ के उसने इनकम्प्लीट, बज़ाहिर इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन दी है, कंप्लीट हमें खुद करना पड़ेगा। जब मैं कहता हूं परचेज गुड्स, तो यकीनी बात है गुड्स या कैश में होंगी या क्रेडिट में, इसके अलावा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसे तो नहीं है कि मैंने गुड्स खरीद ली, भाई कैसे खरीदी क्वेश्चन होगा। तो इसलिए अगर कुछ नहीं लिखा होगा किसी भी ट्रांजेक्शन में, मेंशन ना हो तो कैश लेना है हमेशा, इसलिए हमने कैश लिया। नेक्स्ट लिखो परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश, आमना रहीम। अकाउंट हेड्स बताओ सर। परचेजेस, परचेजेस एंड कैश। कैश, अच्छा एक तो आपने परचेजेस कहा वो मैं नहीं लिखूंगा, कैश कहा वो तो ठीक है, यहां परचेजेस नहीं आएगा। परचेज का वर्ड सिर्फ और सिर्फ यूज होता है गुड्स के लिए। गुड्स का मतलब ये है कि दीज हैव बॉट इन विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल। जब वर्ड परचेज के साथ किसी एसेट का नाम आता है, जैसे परचेज फर्नीचर, परचेज लैंड, परचेज बिल्डिंग, तो ये एसेट है, फिक्स्ड एसेट। जब एसेट का नाम आता है इसका मतलब ये खरीद, ये आपने बेचने के लिए नहीं खरीदी बल्कि बिजनेस में यूज के लिए खरीदी है, तो इस सूरत में फिर परचेज का वर्ड नहीं आएगा, फिर अकाउंट हेड उस एसेट का नाम आएगा। ठीक है, तो यहां पर एक कैश होगा और एक फर्नीचर। जी आमना बताइएगा आगे कैश क्या है? एलिमेंट, एसेट, एसेट बिजनेस में इंक्रीज होगा या डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज, और डिक्रीज इन एसेट? क्रेडिट। और फर्नीचर? एसेट होगा सर। ओके, एसेट इंक्रीज होगा डिक्रीज? इंक्रीज होगा सर। इंक्रीज इन एसेट? डेबिट। डेबिट, गुड। अगली ट्रांजैक्शन लिखिए फिर। परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर, परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर विद द इंटेंशन टू रीसेल, विद द इंटेंशन टू रीसेल द
दोबारा रिपीट कर रहा हूं, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल. आप इसको माइंड में रखिएगा. अस्मा सरफराज, आप जवाब दीजिएगा. अकाउंट हेड्स कौन से लूं यहां पर? सर हम एक परचेज लेंगे क्योंकि हमने ये बेचना है, तो फिर हम एक परचेज लेंगे अकाउंट हेड, और दूसरा स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर उन्होंने बता दिया है, तो फिर मे बी हम अकाउंट पेबल लेंगे. ग्रेट, बिल्कुल ठीक है. देखो पहली बात है कि यहाँ पर भी फर्नीचर आया, पिछली ट्रांजैक्शन में भी फर्नीचर आया. पिछली ट्रांजैक्शन में हम ले रहे हैं फर्नीचर, इस ट्रांजैक्शन में अकाउंट हेड फर्नीचर नहीं ले रहे बल्कि परचेज ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है. रीजन क्या है? उसने एग्जामिनर कंफ्यूज कर रहा है अगेन आपको. उसने वर्ड फर्नीचर के साथ लिख भी दिया है विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल, यानी ये जो आपने फर्नीचर खरीदा है यूज के लिए नहीं खरीदा, ये किसके लिए खरीदा है? फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल. तो जो चीज रीसेल के लिए वो परचेस कहलाएगी, वो गुड्स होंगी, वो फिर मैं उसको फर्नीचर नहीं कहूंगा, वो गुड्स होंगी, और गुड्स की जगह हम परचेस लिखेंगे. दूसरा यकीनी बात है, नेम आ गया और कैश का कोई जिक्र नहीं है, तो नेम आ गया. नेम पे देखोगे सप्लायर है या कस्टमर. अब जिससे खरीद रहे हैं वो कौन होगा? सप्लायर. तो लिहाजा अकाउंट्स पेएबल, यहां लिखूंगा अकाउंट्स पेएबल, और आगे नाम आ जाएगा स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर. मैं सिर्फ स्टैंडर्ड का वर्ड लिख रहा हूं जी. आसमा आगे बताइएगा परचेज क्या है. सर परचेज एसेट होगा और दूसरा नीचे लायबिलिटी होगा. लायबिलिटी और हमारे पास एसेट इंक्रीज करेगा, लायबिलिटी भी इंक्रीज करेगी क्योंकि हमने उनके पैसे पे करने हैं, और डेबिटर क्रेडिटर. ग्रेट. अच्छा जी, अब आगे चलिएगा एक अगली ट्रांजैक्शन की तरफ. सोल्ड गुड्स फॉर कैश. ईशा जावेद, अकाउंट हेड्स. एक तो इसमें कैश होगा और दूसरा सोल्ड गुड. जी, एक कैश होगा और दूसरा अकाउंट हेड सोल्ड गुड्स. सोल्ड गुड. देखो पहली चीज है, सोल्ड तो की है, इसका जो अकाउंट हेड है वो सेल्स होता है. यहां पर अब स्टूडेंट्स कहेंगे जी कि अब सुनिएगा कि वही गुड्स जो खरीदी थी उस वक्त परचेज था, बेच रहे हो तो सेल है. तो ये तो मैं आपको शुरू में भी बता चुका हूँ, पहले लेक्चर में भी या पहले या दूसरे लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं. जब कैश बिजनेस में आता है तो उसका सोर्स कुछ और होता है, जब जाता है तो सोर्स कुछ और होता है. क्या सेम नेम देते हो? नहीं. तो सेम इसी तरह आपको गुड्स बिजनेस में आ रही हैं तो आपने परचेज कहा, जब जा रही हैं तो सेल कहेंगे. रीजन एक और भी है इसकी कि सेल जब हम करते हैं तो हम उसके अंदर अपना प्रॉफिट भी ऐड करके सेल करते हैं. यकीनी बात है, जब खरीदी है चीज 110 रुपीस की है तो बेच रहा हूं तो वो शायद 12 की हो, 13 की हो, 14 की हो, तो उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्लूड है. तो लिहाजा ये दो हेड हो गए. तो कैश क्या है जी ईशा? एसेट है सर. एसेट इंक्रीज होगा, डिक्रीज? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा सर. ना इंक्रीज होगा. इंक्रीज होगा, ठीक है, कोई बात नहीं. इंक्रीज इन एसेट, डेबिट. और सेल? लायबिलिटी. नो, सेल्स इज द रेवेन्यू. सेल्स इज द रेवेन्यू. रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है क्योंकि increase. वो सेल कर रहा है. जी. और इंक्रीज इन रेवेन्यू? क्रेडिट. क्रेडिट, गुड. वो तो आप यूजर है ना, बिजनेस में तो ऐसा नहीं होता. बिजनेस में जो आप खरीद रहे हो उसकी तो जब बेचोगे तो ज्यादा प्राइस में बेचोगे. मतलब शॉपकीपर क्या 100,000 में लेकर 80 में सेल करेगा?
मैं शॉपकीपर की बात करो ना आप, या मैं अपनी, आप अपनी बात करोगे या ग्रेट कि ये मैं मोबाइल लेता हूँ 30,000 का, तो मैंने यूज किया एक हफ्ता, बेचने जाऊंगा 30 कोई भी नहीं देगा मुझे। दो रीजन है, एक तो आपको पता मोबाइल की कीमतें गिरती हैं, डाउन की होती हैं और दिनों में गिरती है कई दफा, और दूसरा भी ऑब्वियसली जब ओपन हो गया एक दफा कह ले हाथ लग गया इसको, चाहे कुछ भी नहीं हुआ इसको, तब भी उसकी प्राइस गिर जाए। लेकिन जो शॉपकीपर्स हैं वो तो बाय कर रहे होते हैं कंपनी से डायरेक्ट, और वो पैक होता है और पैक को ही सेल कर देते हैं, तो इसलिए वो तो प्रॉफिट भी सेल करेंगे ना। हाँ कुछ चीजें ऐसे हो सकती हैं, एक आधी आइटम जिसको लॉस में करते हैं, बस कहीं होता है अब नया मॉडल आ गया एक सेट पड़ा हुआ, इससे पहले वो शायद सैकड़ों सेल कर चुका है, अब एक पड़ा हुआ है और अब न्यू मॉडल आ रहा है, तो किसी तरह अगर कप में भी बिक जाएगा ना, लॉस में बिक जाएगा भाई ले जा, क्यों, कैश आ रहा है बिजनेस के अंदर, कैश आ रहा है उससे वो नया मॉडल खरीद के फिर वो फायदा उठा लेगा, तो ये बिजनेस का पार्ट है। वो एक आधी आइटम में लॉस हो सकता है बट मोस्टली प्रॉफिट में जाएगा, अगर सारा कुछ लॉस होगा तो बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा। अगली लिखिएगा जी, ट्रांजेक्शन नंबर 9, सोल्ड गुड्स टू कामरान, जी ईमान गुलरेज सर, पहला अकाउंट ऑफ हेड सेल्स आ जाएगा और दूसरा अकाउंट रिसीवेबल। गुड, एक सेल्स आ जाएगा और एक अकाउंट रिसीवेबल, और नेम जो भी होगा ना इसमें मैंने ख्याल क्या लिखवाया था, कामरान। देखो एक चीज याद रखना है, मैं फिर रिपीट करूंगा क्योंकि बार बार रिपीट करने से ना दिमाग में चीजें बैठती हैं, जब भी किसी ट्रांजेक्शन में नेम आ जाएगा तो फिर ये डिसाइड करना जरूरी है कि ये सप्लायर है या कस्टमर। अगर तो सप्लायर है तो अकाउंट्स पेएबल, अगर कस्टमर है तो अकाउंट। अब जिसको मैं सेल कर रहा हूं, कामरान इज माय कस्टमर, तो यकीनी बात है मैं अकाउंट रिसीवेबल का वर्ड यूज करूंगा। जी ईमान बताइएगा, सेल्स क्या है एलिमेंट सर? रेवेन्यू। और रेवेन्यू बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? सर इंक्रीज। और इंक्रीज इन रेवेन्यू? क्रेडिट। क्रेडिट, गुड। और अकाउंट रिसीवेबल कामरान जो है, या अकाउंट रिसीवेबल ये क्या है? लायबिलिटी, एसेट। ये एसेट है, करंट एसेट में हमने पढ़ा था, ठीक है। और ये एसेट इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। डेबिट, गुड, ठीक हो गया जी। आगे चलिएगा, एक और ट्रांजेक्शन लिखे, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी फॉर कैश। फहद अली, अकाउंट हेड्स बताओ। सर एक कैश होगा, एक कैश होगा, एक सेल्स, और एक सेल्स होगा, ठीक है, ग्रेट। अच्छा अब यहां मैं आपसे फिर पूछता हूं, पहले एक चीज फिर एक्सप्लेन करूंगा, नेम आ गया लेकिन फॉर कैश भी आ गया, तो मैं नेम को प्रेफरेंस नहीं देने। जी बताइएगा कैश क्या है? जी फहद, कैश एसेट है। और एसेट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? इंक्रीज। और इंक्रीज इन एसेट डेबिट। डेबिट। और सेल्स क्या है? सेल्स रेवेन्यू। रेवेन्यू बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज। और इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट। क्रेडिट, ग्रेट, ठीक है जी। अब यहां तक मुझे बताओ किसी को मसला आया हो? ओके नेक्स्ट आइएगा, लिखिए सोल्ड फर्नीचर, सोल्ड फर्नीचर, बस इतना सा मैंने लिखवाया है, सोल्ड फर्नीचर, नथिंग मोर। नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास आ रही है हाजिरा खान। जी हाजिरा बताइए कौन से अकाउंट हेड्स हैं?
सर इसमें एक होगा सेल्स होगा सेल्स होगा और दूसरा कैश होगा कैश होगा ठीक है जी मैं आपकी आधी बात तो मान लूंगा कि इसमें कैश होगा लेकिन यहां पर आप सेल क्या कर रहे हो गुड्स नहीं सेल कर रहे हैं आप फर्नीचर सेल कर रहे हो और ये कहीं नहीं लिखा हुआ इस ट्रांजैक्शन में कि फर्नीचर आपने खरीदा था रीसेल के लिए ये वो वाला फर्नीचर नहीं है ये यूज वाला फर्नीचर कहलाएगा तो लिहाजा दूसरा हेड हमारा कैश होगा और फर्नीचर होगा और कैश बेशक नहीं लिखा हुआ ये आपने बिल्कुल ठीक कहा क्योंकि जिस ट्रांजेक्शन में कुछ नहीं लिखा होगा कि ये कैश पे है या क्रेडिट पे अंडरस्टूड है वो कैश पे है जी हाजरा आगे बताइए कैश क्या है एसेट एसेट इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में या डिक्रीज इंक्रीज और इंक्रीज इन एसेट डेबिट डेबिट फर्नीचर एसेट एसेट फर्नीचर इंक्रीज होगा डिक्रीज सर इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज सेल कर रहे हो ना सेल करते हो तो फर्नीचर इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस एंड डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट ठीक है अब देखो अब यहां एक चीज और समझा दूं कि लाइक मैं इसको फॉर एग्जांपल इंक्रीज कर जाता हूं तो फिर ये भी इंक्रीज इन एसेट क्या होगा डेबिट दो डेबिट हो जाएंगे सो इट मींस कहीं हमने मिस्टेक की है तो हो जाता है एग्जाम में कभी करते हुए लेकिन खैर ये चीज तो मैं अभी से बता दूं ये जो दरमियान वाले दो चीजें हम लेके चल रहे हैं ये आगे खत्म हो जाएंगी यानी अभी तो मैं लिखवा के कर रहा हूं ना फिर हम सोच के करेंगे फिर सोचेंगे भी नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा यानी आहिस्ता आहिस्ता इसको निकालना है असल में मेरी फर्स्ट और लास्ट एंट्री है मुझे ये डिसाइड करना है कौन सा हेड ऑफ अकाउंट है और क्या ये डेबिट हो रहा है या क्रेडिट तो ये सीखने के लिए हम दरमियान में ये चीजें ला रहे हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं खत्म करूंगा और इंशाल्लाह ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये तो खत्म करूंगा ही वो तो होनी है मतलब इसलिए सोचने की भी जरूरत है फौरन आपको जेहन में आएगा ये डेबिट होगा ये किससे होगा प्रैक्टिस से जैसे जैसे हम ट्रांजेक्शन करेंगे अभी मैं आपको असाइनमेंट इसकी एक दूंगा 50 ट्रांजेक्शन है सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहो करते रहो जितनी ट्रांजेक्शन करोगे उतना सीखोगे जितनी ट्रांजेक्शन अभी तो बहुत सिंपल है ना अभी तो मैं असाइनमेंट नहीं दे रहा क्योंकि अभी तो मैंने आगे कंपाउंड थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज में जाना है अभी तो सिर्फ सिखाने के लिए ये मैं आसान 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 काम करूँ ताकि खुश हो जाओ एक दिन खुश भी जुमे ना तो मैं चाहता हूँ जुमे वाले दिन खुशी के साथ आप चलो तो फिर हफ्ता आएगा तो इंशाल्लाह फिर मिर्च मसाले भी डालूंगा सो आगे चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सर एक क्वेश्चन है जी बच्चे सर ये जो नाइन्थ ट्रांजेक्शन है इसमें ये अकाउंट रिसीवेबल जो एसेट है सर ये इंक्रीज कैसे हुआ ये थोड़ा बता दीजिए इंक्रीज कैसे हुआ ठीक है देखो जब आपने किसी को क्रेडिट पे सेल की है तो आप मुझे बताओ कि उस पर्सन से पैसे लेने हैं आपने या देने लेने हैं सर देने लेने हैं लेने हैं ग्रेट अब जब आपने पैसे लेने हैं तो जो लेने वाली अमाउंट है बताओ वो बढ़ेगी या कम होगी बढ़ेगी सर तो इसलिए तो इंक्रीज कर लो ठीक है सर ठीक हो गया गुड ये मेरा थोड़ा सा स्टाइल है जो अभी तो मैं बड़ा आहिस्ता बोल रहा हूँ आसानी से ये मैं ना क्वेश्चंस करता होता हूँ जब मुझसे कोई क्वेश्चन करता ना तो मैं क्वेश्चंस करता हूँ तो थोड़ा सा क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है कि मैं उसको फर्दर जज करूँ कि कहाँ से मिस्टेक हो रही है उसकी तो ऑटोमेटिकली वो जैसे जैसे अभी देखे मैं क्वेश्चन करता रहा मैं आखिर में जवाब दे दिया उसको ला के तो कई दफ़ा ये यही क्वेश्चन बड़े एग्रेसिव स्टाइल में करता हूँ मेरा स्टाइल एग्रेसिव है ना ज़रा तो परेशान नहीं होना है खान साहब ने क्या कहा हुआ है परेशान नहीं होना तो मतलब आपने घबराना नहीं है और बड़े आराम से जवाब दे रिलैक्स हो गई तो ये काउंटर अटैक में करता होता हूँ कॉन्फिडेंस आपके अंदर जितना होगा उतना ज्यादा अकाउंटिंग में फायदा है कॉन्फिडेंस यानी एक तो होता है परेशान हो जाए मैंने क्वेश्चन किया किसी टीचर ने किया तो एकदम बैठ के हुई ये मेरी बारी आ रही है अब देखो पहला स्टूडेंट है मुझे नहीं पता शायद माइक का मसला ये कोई रीजन हो ये भी मसला नहीं ये भी पता नहीं वो चेहरा सोए ना हो पॉसिबिलिटी तो मैं सारी माइंड में रखूंगा मुझे कौन से नजर आ रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा सा करना पड़ता है मुझे भी तो लिखिए ट्रांजेक्शन नंबर 12 कैश पेड टू नवीद
sons. Cash paid to Naveed sons. बैच थ्री स्टूडेंट एक मिनट रहिएगा एक स्टूडेंट को ऐड कर बैच थ्री ये भी चलता ही रहता रहता हूँ सारा दिन सबर 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 बच्चे मैसेज ईशा आपने किया मुझे आपने मैसेज किया जी सर मैं आपको उसमें ऐड कर रहा हूँ अल्लाह के बंदो पूरा लिखा तो करो कि किस में ऐड करना तीन तीन सर मैंने लिखा है व्हाट्सएप में मैं बड़ा स्लो हूँ ना आप माशाल्लाह बड़े जीनियस मैं जरा स्लो बंदा हूँ मैं पहले एक मैसेज पढ़ता हूँ उसका पहले देखना शुरू करता हूँ फिर दूसरा देखता हूँ फिर तीसरा देखता हूँ क्या करूंगा आप लोगों से सीखूंगा ना इंशाल्लाह आप लोग मुझे सिखाओ ना ये चीजें तो आगे चलिए अच्छा ये ट्रांजैक्शन जो मैंने बोली है ये नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास आ रहे हैं क्योंकि मैं अल्फाबेटिक चल रहा हूँ हतीब सॉरी तो ग्लासेस का मेरा बड़ा मसला है हलीमा हलीमा आ रही जी बताइए ये जो मैंने ट्रांजेक्शन लिखाई है कैश पेड टू नवीद सन्स कौन से अकाउंट हेड्स आ रहे हैं कैश शाबाश कोई बात नहीं दूसरा दूसरा नहीं समझ आ रहा दूसरा कौन सा बोला आपने हलीमा समझ नहीं आ रहा दूसरे वाला अच्छा कोई बात नहीं कोई मसला नहीं जी आप में से अकाउंट्स पे अच्छा अब जरा रुकिएगा जरा देखते हैं मैंने आपसे कहा था जब भी नेम आएगा तो फौरन देखना है कस्टमर है या परचेज और सेल ट्रांजैक्शन में फौरन समझ में आ जाता है यहां से जरा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि भी यहां तो परचेज मुझे नहीं पता जिसे परचेज की है ये सेल की अंडरस्टूड है जिसको पेमेंट कर रहे हो उसे परचेज की है तो पेमेंट कर रहे हो ना ये फ्यूचर ट्रांजैक्शन हुई ना अगर किसी से कैश रिसीव कर रहे हो उसे सेल पहले की हुई है तो रिसीव कर रहे हो तो इसलिए जिसको पे किया जाता है वो सप्लायर होता है ठीक है तो लिहाजा ये यहां पर चूंकि सप्लायर है नवीद वैसे भी पीछे एंट्री हो चुकी है ये नवीद की वो अकाउंट्स पेएबल था तो अकाउंट्स पेएबल नवीद को आप लिखोगे जी हलीमा बताइएगा कैश इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में डिक्रीज सर पे कर रहे हैं तो डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा ठीक है पहले तो बताइए कैश क्या है एसेट है लाइबिलिटी है ऑनर्स इक्विटी है रेवेन्यू एक्सपेंस है एसेट है सर कैश एसेट और एसेट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज 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 इन एसेट क्रेडिट क्रेडिट गुड अकाउंट्स पेएबल अकाउंट पेएबल सर लायबिलिटी 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 इंक्रीज हो रही है डिक्रीज सर लायबिलिटी डिक्रीज गुड क्योंकि जब आप पेमेंट कर रहे हो तो मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी ना मैंने स्पर्श करा किसी को 50,000 देना है 20,000 दे दिया तो लायबिलिटी कम ही हुई ना और डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट डेबिट ठीक है जी तो ये मैंने आज 12 ट्रांजेक्शन करवाई है और अभी मैं जरा चूंकि अटेंडेंस लगानी है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का नाम नहीं आ रहा तो जरा मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ ये स्टेटस क्या है अब क्लास में बच्चे कम क्यों आ रहे हैं
अल्लाह के बंदो मेरी क्लास में जो तीन दिन ना आए ना, मैं उसको दोबारा नहीं बैठने देता, मैं निकलवा देता हूँ नाम। इतनी अथॉरिटी है मेरी अभी भी स्कैन्स में, और जिसको मैं ना कर दूँ ना, वो दूसरी दफा मेरी क्लास में नहीं बैठ सकता, जो मर्जी कर ले। इसलिए छुट्टी नहीं करनी, जिसने छुट्टी करनी है बता के करे। अभी एक बच्ची ने मुझे किया मैसेज, मुझे मेरे नॉलेज में तो हो ना कभी वो छुट्टी पे है। ये तो ये चलिए ये मैं टाइटस बोलने लगा हूँ जी।